प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए भगवान की तरफ से एक क्रौत आता है, क्रौत एक आरा होया कर लकड़ी काटने का, लंबे लंबे दांते नु आर पार कर देता लकड़ी को। वो गंगा दरिया के किनारे एक स्ट्रक्चर सा बना के ऐसे, और उसके अंदर एक आरा ऊपर नीचे आन का एक थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया, और उसके चलाने का हैंडल काफ़ी दूरी पर कर दिया रस्सों से। ढीला छोड़ें तो वो नीचे आ जा, ऊपर खींचे तो ऊपर चला जा। और ये प्रोपगंडा फैला दिया भाई जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो भगवान की तरफ से एक क्रौत आता है, और वो क्रौत जिसने काट देता है उसका सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब परमात्मा पाने के लिए उन बूढ़ा बुढ़िया ने सोची हमने मृत्यु तो होनी है और बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, और क्यों ना क्रौत ले ले, उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया 100 रुपये 50 रुपये। अब उन बूढ़ों ने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम भी तंग आ गए हैं इस शरीर से, और गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रौत आने लग गया है, और जो उस क्रौत में अपनी गर्दन हलाल कटवा लेता है वो शीघ्र स्वरूप चला जाता है, बेटा 50 रुपये फीस लगती है, आप देख लो। अब बच्चा ने सोची माँ बाप की इच्छा है तो ठीक है, माता पिताजी ये 50 रुपये गुरु जी को दे दिए जी, हमारे पिताजी को स्वर्ग भेज दो। अब वो लागे कसाई वाला कर्म करने, वहाँ नीचे गर्दन रखवावे और ऊपर तय करों तावर उन्हें काट दे। इस प्रकार स्वर्ग भेजन लागे, क्यों पीछा छुटवाना था उन्हें तो अपना, और प्रोपगंडा फैला दिया कि जो क्रौत में शीश कटा लेता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा पाने के लिए पुण्यात्माओं ने वह गर्दन देनी भी शुरू कर दी, कटवानी शुरू कर ली। तो परमात्मा के बद्दी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते है भावे कांसी क्रौत ले। क्रौत आरे न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है, कहते भक्ति बिना कुछ नहीं बनाते, काशी में जाकर क्रौत भी ले ले, गर्दन कटवा ले, और मिटे नहीं मन वासना बहुविध भर्म संदेह। जैसे वो काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहाँ अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे, सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली का पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी, सब भर दिए थे तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर स्टेट मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था, हिंदू और मुसलमानों ने। उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे।
तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी और किन्या कृष्ण कलोल और कंस के सी चाणो और सेवा फिरते डामा डोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र, अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना होया। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा और मर्यादा में रहते। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात ने ब्राह्मण माने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा कि वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। तो परमात्मा वहां से चल पड़े, 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी, दिखा रहे थे अपना, वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती, उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं, वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी, और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा, और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े, और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीर देव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहां आ रहे हैं और काफी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहां पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे, तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की, तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहाँ पहुँचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव, परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का, और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहां एक दरिया बहती थी आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहां है वो आमी नदी। जहां परमेश्वर खड़े थे वहां थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ के दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहां खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर
एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सब ने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भई एक दो चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भई बिजली खां पठान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीर देव सिंह बघेल, तुम सेना किस लिए लाए हो? दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, जो आमने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रहे बोले आदमियों, निकम्मियों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो, खबरदार दे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन यह जच्चा ना थी उनके, फिर भी अगर तुमने तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक चादर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और चादरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आदि आदि बांट लेना, तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, ग्रह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर तम आप देख लेंगे, हाँ फिर हम न मानना किसे की नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर छोड़, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जितने सब के समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल, और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की के भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूँ सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजोमय शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के, बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे के ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने के लगाया आपस में, सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। अपुण आत्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है एक चद्दर और आधे व सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको आज भी विद्वान है, ये दास बहुत बार उसको देख कर आया है, और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। तीन बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए प्रमाण करने के लिए
कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं उन्हीं में से